नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम प्लान्स इंडिया में। मैं मोहन पोखरियाल आज फिर हाजिर हूं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, और इस बार आपके लिए लेकर आया हूं IMB की लेटेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। ये नई मशीन आई है मार्केट में, तो आज जानेंगे अपनी इस वीडियो में इस मशीन के बारे में डिटेल से। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इस मशीन को ऑन, और एक बार ऑन करके देखते हैं इसमें डिस्प्ले कैसे नज़र आता है, क्या इसमें टाइमिंग आएगी प्रोग्राम की, और क्या क्या इसमें फीचर और फंक्शन हमारे को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये गया है स्मार्ट सेंस के अंदर। अगर आप देखेंगे स्मार्ट सेंस की लाइट जली हुई है, अभी यहाँ पर कोई टाइमिंग शो नहीं कर रहा है। इससे ऊपर वाला जो प्रोग्राम है आप देख सकते हैं, ये है आपका पावर वॉश वाला प्रोग्राम। तो पावर वॉश और स्मार्ट सेंस के प्रोग्राम में यहाँ पर टाइमिंग शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों प्रोग्राम हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। यहाँ पर आप जब लोड डालेंगे और मशीन को स्टार्ट करेंगे, मशीन उन कपड़ों का लोड सेंस करेगी। लोड सेंस करने के बाद मशीन डिसाइड करेगी कि इसके कितनी देर वॉशिंग में करना है, कितनी देर रिंस करना है, कितनी देर स्पिन करना है, यानी टोटल टाइमिंग कैलकुलेट करके फिर मशीन वहाँ पर आपको डिस्प्ले में शो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोग्राम है ये है हाइजीन प्लस, आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिख रही होगी स्क्रीन पे, ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ लाइट हाइजीन प्लस पे ही है इस वक्त। तो ये हाइजीन प्लस का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर इसकी टाइमिंग आ रही है 1 घंटे 14 मिनट, यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम को लगाते हैं तो 1 घंटे 14 मिनट के अंदर ये अपना पूरा प्रोग्राम कम्प्लीट करेगा और आपको वॉश क्वालिटी देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जीन्स का प्रोग्राम। जीन्स के प्रोग्राम में जो टाइमिंग यहाँ शो करा है ये 1 घंटा 20 मिनट की शो करा है, यानी 1 घंटा 20 मिनट लगेगा जीन्स वॉश करने में, यानी कि आप अगर कई सारे जीन्स वॉश कर रहे हैं यानी हैवी क्लोथ्स। देन इसके बाद ब्लैंकेट्स का जो प्रोग्राम है यहाँ पे 1 घंटे 26 मिनट की टाइमिंग दिखा रहा है। डेलिकेट के अंदर आपको टाइमिंग दिखा रहा है 43 मिनट की। एक्सप्रेस के अंदर आपको टाइमिंग दिखा रहा है 28 मिनट की, यानी कि 28 मिनट के अंदर ये एक्सप्रेस वॉश कम्प्लीट कर लेगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट है टब क्लीन, तो ये मशीन की मेंटेनेंस के लिए यूज़ होने वाला प्रोग्राम है, और यहाँ पर जो टाइमिंग आ रही है 2 घंटे 8 मिनट की, तो यानी कि मशीन की मेंटेनेंस के लिए यूज़ होने वाला ये प्रोग्राम है। तो आप इसको महीने में या 45 दिनों में, या डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ की वाटर हार्डनेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ये वाटर लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हैं तो आप मैन्युअली वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लेकर आता हूँ दूसरे प्रोग्राम में, ब्लैंकेट में लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर मैं वाटर लेवल सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 6 में दिखा रहा है, देन 7 पे, ऐसे करके मैं इसको मैक्सिमम फुल लोड पे लेके जा सकता हूँ, यानी कि फुल लोड, यानी कि मैंने पूरा 10 लेवल सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइमिंग भी इंक्रीज़ हो गई, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अब 1 घंटा 26 मिनट की टाइमिंग हो गई है, तो मैं मैन्युअली यहाँ से वाटर लेवल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वॉश का है। अगर आप मैन्युअली खाली सिर्फ वॉश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं वापस मशीन को ऑफ करके ऑन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप खाली सिर्फ वॉश कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने मशीन ऑन करी, अगेन ही गया स्मार्ट सेंस में। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे को मशीन को वॉश करना है और कुछ नहीं करना वॉश के अलावा। तो मैंने ये वॉश का बटन प्रेस किया, 16 मिनट का इसने टाइमिंग लिया, 18 मिनट, 20 मिनट, देन 20 मिनट के बाद 58, देन 1 आवर्स 8 मिनट। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से इसको टाइमिंग दे सकता हूँ, 3 मिनट से ये शुरू होगा और इतना आगे तक जाएगा। तो मैं यहाँ पे 20 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने 20 मिनट सेलेक्ट किया, देन अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो 20 मिनट ये मशीन खाली वॉश करेगी। जो 27 मिनट का टाइम आ रहा है, ये वाटर इंटेक से लेके ड्रेनेज सब इसने काउंट कर लिया है, देन यहाँ पर आपको 27 दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को सिर्फ खाली रिंस करना है, अगेन मैं इसको ऑफ करता हूँ, खाली मेरे को रिंस करना है, तो मेरे को अगर रिंस करना है तो मैंने ऑन किया मशीन और सीधा मैं रिंस पे आ गया। रिंस पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 1 रिंस, यहाँ पे 2, देन 3, देन 4, देन 5, यानी 5 रिंसिंग मैं मैक्सिमम इस पर कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को रिंसिंग करनी है तो मैं मैक्सिमम 5 रिंसिंग इसके अंदर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब खाली मुझे अगर इस पर स्पिन करना है तो मैं स्पिन के बटन को प्रेस करूँगा यहाँ पर, 5 मिनट, 6 मिनट, 7, 8, 9, ओके 0, सो मैक्सिमम यहाँ पे 9 मिनट तक की आप स्पिनिंग कर सकते हैं। 9 मिनट आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पर दे सकते हैं स्पिनिंग के लिए, और 9 मिनट काफ़ी होता है, इनफ होता है आपके लिए कपड़ों को सुखाने के लिए, निचोड़ने के लिए। तो आप यहाँ पर मैन्युअली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वॉश रिंस स्पिन को, यानी आप सेपरेट किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इस मशीन को एज अ सेमी ऑटोमेटिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप डिले टाइमर दे सकते हैं, अगर सपोज़ मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम सेलेक्ट किया, मैंने हाइजीन प्लस का प्रोग्राम सेलेक्ट किया, अब मैं टाइमिंग देना चाहता हूँ उसे, तो 1 घंटे की टाइमिंग, 2 घंटे की, 3 घंटे की, मैं जितने की यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा उतने आवर्स की टाइमिंग यहाँ पे लग जाएगा। मैंने 10 आवर्स का सेलेक्ट किया, तो अब ये मशीन यहाँ से 1.5 घंटे बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी।
देन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हीटर सिलेक्शन है, अगर मेरे को किसी प्रोग्राम में हीटर चाहिए तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, 30 आ गया, फिर ये 40 पे चला गया, देन ये 60 पे चला गया, और अगर इसी बटन को प्रेस करूँगा तो ये एयर ड्राई पे चला जाएगा। तो यहाँ पर इसने हीटर की टाइम सेलेक्ट कर लिया, तो टाइमिंग 2 घंटा 6 मिनट हो गई है, क्योंकि अब पानी को गर्म करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी टाइमिंग इंक्रीज हो गई है। ये स्टार्ट वॉश का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। तो इस तरीके से आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। मॉडल नेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है TL-SBRH-8KG। SBRH का फुल फॉर्म है स्क्वायर ब्राउन हीटर, यानी स्क्वायर डोर है इसका, ब्राउन कलर है इस मशीन का, और हीटर के साथ है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में H लिख कर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये मशीन ऑटोमेटिकली पानी खुद ब खुद गर्म कर सकती है, आपको इसमें गीज़र से कनेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पानी अपने आप ही गर्म हो जाएगा। वारंटी की अगर अगेन बात करूँ, वारंटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 साल की आपको कंप्लीट मशीन पे वारंटी मिल रही है, 10 साल की मोटर वारंटी मिल रही है, और 10 साल का मिल रहा है आपको स्पेयर पार्ट सपोर्ट। तो IFB वो एक लौता ब्रांड है, जो मैं अपनी पहली भी प्रीवियस कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ, जो इतनी बड़ी वारंटी अपनी मशीन में देता है, बिकॉज IFB मशीनों का बादशाह है, IFB मशीनों के मामले में सबसे एक्सपर्ट कंपनी मानी जाती है। ये जो मशीन बनाती है वो हाई क्वालिटी की मशीनें होती हैं, इसलिए IFB इतनी आपको ज़्यादा वारंटी देती है, क्योंकि IFB जो मशीन बनाती है वो अपने आप में ही एक अलग तरह की मशीनें होती हैं। स्टार रेटिंग की बात करूँ तो 5-स्टार रेटिंग की मशीन है, तो आपको यहाँ पे 5-स्टार का स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा, और लुक वाइज में बोलूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इस मशीन की। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगती है मशीन। ये इसका सॉफ्ट डंपिंग डोर है, यानी कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये आराम से नीचे आएगा, देखिए तो काफ़ी आराम से ये नीचे आता है, यानी कि हाथ में लगने के कोई चांसेस ही नहीं है। देखिए मैं अपना हाथ यहाँ पे रखता हूँ, मेरे हाथ में ज़्यादा ज़ोर से ये नहीं लगेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हैं IFB ने अपनी मशीन पे, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है। एक बार इसके ड्रम को देख लेते हैं कि ड्रम इनर साइड से कैसा नज़र आता है। तो ये है ड्रम इसका, ये प्योर स्टेनलेस स्टील है जो ये ड्रम है, इसका नाम है क्रिसेंट मून ड्रम, और ये 5-1 पल्सेटर के साथ है मशीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्वेल जेट मिल रहे हैं आपको, 5 सॉफ्ट स्क्रब पैड मिल रहे हैं, और एक ही बीच में मिल रहा है सेंटर पंच। तो 5-1 पल्सेटर दिया गया इस पे। डिटर्जेंट ट्रे की अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट ट्रे में आपको यहाँ पे डिटर्जेंट का ऑप्शन और यहाँ पे सॉफ्टनर का ऑप्शन मिल रहा है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मिल रहा है आपको ब्लीच का ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छी मशीन है, देखने में भी बहुत सुंदर है ये मशीन। तो अगर आप 8 KG का कोई मॉडल देखना चाह रहे हैं तो इस मॉडल को आप ज़रूर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन मॉडल है और काफ़ी अच्छी मशीन है। काफ़ी अच्छे फीचर फंक्शन इसमें दिए गए हैं, और ना सिर्फ लुक में बहुत अच्छी है बल्कि IFB का साथ है, तो डेफिनेटली मशीन अपने आप में ही हाई क्वालिटी की मशीन है। चलिए बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो आप देख सकते हैं इसकी MRP है 32,490, और अगर आप मार्केट में इसका बेस्ट प्राइस देखेंगे तो ये आपको आराम से 29,000 रुपये के आसपास ये मशीन मिल जाएगा। ये डीलर टू डीलर प्राइस थोड़ा बहुत वेरी करेगा, कहीं पे इससे थोड़ा और नीचे प्राइस मिल सकता है आपको, कहीं पर हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस मिले। तो यहाँ पर मैं जस्ट मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कितने तक में ये मशीन मिल सकती है मार्केट में। तो प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा है 8 KG के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और काफ़ी अच्छी मशीन है ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि AC के ऊपर 2022 के मॉडल्स के ऊपर थी, आप लोगों ने उसे काफ़ी प्यार दिया है। अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अगली एक और नई वीडियो में एक और न्यू प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।